यूपी विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी पुनः सत्ता पर काबिज होने के लिए एक एक सीट जीतने के लिए मंथन कर रही है, वहीं राज्य मंत्री सुरेश पासी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अमेठी के जगदीशपुर की एक बेटी ने राज्य मंत्री पर आरोप लगाया है कि उसके पिता की मौत के जिम्मेदार सुरेश पासी हैं। राज्य मंत्री सुरेश पासी जगदीशपुर सीट से भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। ऐसे समय में यह आरोप उनके चुनाव को प्रभावित कर सकता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में उनकी पार्टी के विधायक प्रत्याशी ही मुसीबत का सबब बन गए हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे सुरेश पासी पर उनके ही विधानसभा क्षेत्र की एक बेटी ने मंत्री के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। इसके पूर्व भी राज्य मंत्री के ऊपर तमाम आरोप लग चुके हैं। टिकट मिलने पर भी लोगों ने इनका विरोध सोशल मीडिया से ले गांव के गलियारों तक हुआ था। लोगों का आरोप है कि राज्य मंत्री ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में दलित उत्पीड़न के केस करवाए, सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने के आरोप। वहीं मृतक की बेटी वंदना तिवारी ने मीडिया को बताया कि मेरे पिता पर जो क्लेम लगा था उसकी जानकारी लेने आए सुरेश पासी जो कि नेता है, उसने मेरे पिता पर महिला उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था जो पूर्णतः गलत था। बदले की भावना से सुरेश पासी ने मेरे पिता पर यह ब्लेम लगाया जिससे आहत होकर मेरे पिता की मृत्यु हो गई। ये हमारे पिताजी पर जो ब्लेम लगा था उसी सब चीज के विषय में जानकारी लेने आए सुरेश पासी जो कि पहले रह चुका है नेता, उसने हमारे पिता पर महिला उत्पीड़न का जो है केस दर्ज कराया था जो कि गलत था। दरअसल वो अपने उद्देश्य को लेकर सड़क निकलवाने के उद्देश्य को लेकर बस उसी के पक्ष का मतलब उसी बदले की भावना से उसने मेरे पिता पर ब्लेम लगवाया था और उसी के चलते उनकी डेथ भी हो गई। पूरे मामले में समाज सेवी धनंजय सिंह ने बताया कि जगदीशपुर विधानसभा में 5 साल पहले सुरेश पासी को अपना जनप्रतिनिधि चुना था, मंत्री भी बन गए लेकिन मंत्री द्वारा सम्मानित लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। कल ही मुझे पता चला कि राम अवध तिवारी जो कि यहां के माने जाने और सम्मानित शख्सियत थे, मंत्री अपने विशेष रिश्तेदारों के लिए एक खंडजा बनवा रहे थे जिसके बीच में पंडित राम अवध तिवारी का बाग आ रहा था। जब उन्हें मना किया गया कि यह हमारे खाते खतौनी की जमीन है, जिस पर मंत्री ने उनके ऊपर 376 का मुकदमा पंजीकृत करा दिया जिसके फलस्वरूप एक सम्मानित व्यक्ति की मौत हो गई। जहां तक बात की जाए जगदीशपुर विधानसभा की, तो जगदीशपुर विधानसभा ने 5 साल पहले अपना जनप्रतिनिधि चुना था, माननीय जी मंत्री भी बन गए, लेकिन हुआ ये कि जैसे पूरी विधानसभा में आप घूम करके देखेंगे तो हर जगह मान सम्मान को लोग सम्मानित लोगों के मान सम्मान को चोट पहुँचाने का काम माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। कल ही मुझे मालूम चला कि स्वर्गीय पंडित रामोद तिवारी जी यहाँ के माने जाने शख्सियत थे, बेहद सम्मानित थे, सरपंच दादा के नाम से लोग उनको जानते हैं। उनके साथ अभी परिवार से मिला, उनका आशीर्वाद लेने आया था माता जी का, उनको ढांढस बंधाने आया था कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं क्योंकि जो मुहिम चल रही है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं और माननीय मंत्री जी के अत्याचारों के खिलाफ हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनके सहयोग में खड़े हो रहे हैं। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।